हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। धनतेरस के दिन पे आपको सबका स्वागत है सरकार ट्रेडर्स में। तो गाइस, धनतेरस का दिन में क्यों खास है, क्योंकि धनतेरस का दिन के ऊपर कल मैं एक वीडियोस बनाया था आपके लिए कि धनतेरस का दिन में हम क्या करना चाहिए। तो 700 रुपये में, सिर्फ 700 रुपीज़ में हम गोल्ड खरीद सकते हैं। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में जाके गोल्ड को किस तरीके से 700 रुपये में खरीद सकते हैं और किस तरीके से होल्डिंग पर्पज होल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर कल मैं वीडियो बनाया था। अगर आपने सरकार ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक और बेल आइकन नहीं दबाया, तो शायद वो वीडियो आपने नहीं देखे, मिस हो गया होगा। तो मॉर्निंग अपडेट का वीडियोज़ का जो खास बात है ये है कि कॉल एंड पुट, हमने यहाँ पे 24,400 का कॉल एंड 24,400 का पुट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल होगा आज के लिए खास, कहाँ पे आपको बनेगा अच्छा पैसे। साथ में आज के लिए जो लाजवाब स्टॉक है, जिस स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा न्यूज है, वो कौन सी स्टॉक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए गाइस, सबसे पहले स्टॉक का व्यू देख लेते हैं। कल भी हमने जो स्टॉक दिया था, आपने देखे होंगे कि सारे स्टॉक कितने लाजवाब परफॉर्मेंस किया था। ओके, तो मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं आपको ये स्टॉक दिया था, आई थिंक केन दिया था। ओके, और बाकी कुछ स्टॉक था जो मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं दिया था। और आज के लिए जो आपको सुर्खी हमें स्टॉक आ रहा है, पहले स्टॉक का चर्चा कर लेते हैं, फिर हम सीईपी का निफ्टी के ऊपर। आज है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी एक्सपायरी में भी क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, जल्दी से चलते हैं स्टॉक के ऊपर। स्काई गोल्ड जो स्टॉक है, इसका ऑन 9:1 का बोनस आ रहा है, 9:1 का बोनस शेयर आ रहा है, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, इशू ऑन बोनस शेयर। ओके, तो बोनस जब आता है तो बोनस मीन्स बोनस, दिवाली बोनस क्या होता है, सो शेयर के ऊपर भी बोनस आता है। तो इन्होंने दिवाली के पहले ही 9:1 का बोनस का डिक्लेयर किया है, तो शायद थोड़ा सा हलचल हो सकता है। इतनी गिरावट में स्काई का जो चार्ट है मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है। सेकेंडली आ रहा है आईएनएक्स वर्ल्ड, सेकेंड जो क्वार्टरली है इसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आया है, 90 करोड़ का प्रॉफिट आया है। पिछले क्वार्टरली में 27 करोड़ का था, तो अभी आप समझ लो, हिसाब किताब लगा लो, रेवेन्यू 93% का जंप, डेफिनेटली ए गुड। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी प्रॉफिट 46% का जंप हुआ है, तो वेरी गुड। ओके, स्विट्जरलैंड को हमने हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग पे ही मैं स्विट्जरलैंड दिया हूँ, और ₹12 से हमने स्विट्जरलैंड को सजेस्ट किया हूँ, 46 में फिर सजेस्ट किया हूँ, 84-85 का हाई बनाया है, अभी फिर भी हमने स्विट्जरलैंड को सजेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप देख लो स्विट्जरलैंड कहाँ जाता है। ओके, आई थिंक अच्छा ही होगा। ओके, तो इस ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो सरकार ट्रेडर्स @कौशिक चैनल जरूर देख लेना। नेक्स्ट स्टॉक हमारे सामने जो आ रहा है वो क्या आ रहा है देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड एनर्जी इज बेस्ट, इसका जो रिजल्ट है 96% जंप किया है, यानी कि लगभग 100 गुना रिटर्न, मतलब जो डबल प्रॉफिट। ओके, दीपक बिल्कन, इसके ऊपर भी न्यूज़ अच्छा है, रिजल्ट जो जो कंपनी का आज आने वाला है, मारुति सुजुकी का, सिप्ला का, अदानी एंटरप्राइज का, अदानी पोर्ट का, कनाडा बैंक का, SBI कार्ड का, ये सबका आज का रिजल्ट है। तो जिन लोग आगे का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो मॉर्निंग पे हमारे वीडियोस को वॉच कीजिए, ताकि आपको इन स्टॉक में से कौन स्टॉक का रिजल्ट सबसे बेहतरीन है ये हम कल का मॉर्निंग अपडेट वीडियोस में जरूर बताएंगे। तो चलिए गाइस, आपको सुर्खिया में कौन सी स्टॉक होना चाहिए ये भी आपको पता चल गया। अभी हम देखते हैं कि निफ्टी का कौन सी कॉल एंड कौन सी पुट के ऊपर ध्यान है, बट ग्लोबल मार्केट से क्या सीनरी है। देखिए, गिप निफ्टी जो है कभी हम देख पा रहे हैं 50 पॉइंट प्लस, एंड कभी हम देख पा रहे हैं 50 पॉइंट माइनस, इसका मतलब क्या हो रहा है ये देखिए, अभी 32 पॉइंट प्लस। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट फ्लैट कम पॉजिटिव ओपनिंग हो सकता है। यहाँ पे यूएस मार्केट मिलीजुली है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव सीनरीज पे बंद हुआ है, और आज मॉर्निंग पे निकाई एंड बाकी जो हैंगसांग ये कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव सीनरीज दिखा रहा है, और गिफ्ट निफ्टी को 31 पॉइंट का पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइज, सबसे पहले निफ्टी का एक झलक एंड बैंक निफ्टी का एक झलक हम देख लेते हैं कि क्या सीनरीज पे रुका हुआ है पिछले दिन, और हमने क्या बताया था। तो देखिए, हमने एक पी लेवल बताया था कि इस लेवल से ऊपर अगर मार्केट आज स्टेबल होता है तो डेफिनेटली यहाँ से हमारा कॉल साइड का ही व्यू रहेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो कोई ना कोई मार्केट में वीक सिचुएशन रहेगा। देखिए, ये है सरकार ट्रेडर्स का वेबसाइट जहाँ से आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि आज का स्टैंडर्ड लेवल क्या होगा। तो कल के लेवल भी मैं बता दिया था कि आज का स्टैंडर्ड लेवल क्या होगा, 24,322 आपने देख लिए हैं। ओके, और सरकार ट्रेडर्स का दिवाली ऑफर का जो क्लासेस है, 15 डेज का लाइव क्लास
मेरा साथ इवनिंग पे 15 डेज का जो आप सीखे हैं उसको ऊपर लाइव मार्केट को ऊपर प्रैक्टिस और साथ में 15 डेज आपको फीस रिकवरी प्लान ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है कि फीस रिकवरी प्लान के साथ आपको ट्रेड कराता हो। ओके चलिए गाइस बातों बातों में आ चुके हैं हम कॉल एंड पुट के ऊपर। तो कॉल एंड पुट के ऊपर जो नंबर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 24,400 का कॉल जिसका एक सपोर्टिंग पॉइंट आपको बनता हुआ जा रहा है 45 टू 50 जोन के अंदर जो कल का लो था। ठीक है तो इस लो पॉइंट पे फिर से एक बार रिट्रेस करने के लिए आएगा। डेफिनेटली ये पॉइंट आपको एक अच्छा पॉइंट होगा, यहाँ पे बाय करो इसके नीचे सेल। बहुत क्लियर पॉइंट सर, 1:3 फार्मूला कहाँ आता है, यहीं पे आता है। ये लेवल नहीं आया तो बड़ा प्रॉफिट आपको हाथ से हट गया। ओके सेकेंड ऑप्शन 130 के ऊपर, 130 के ऊपर अगर ये स्टेबल करेगा ये जो जोन है ओके तो ही 120 मान लो, यस 25 इसके ऊपर अगर स्टेबल करेगा तो कहीं ना कहीं हम 150 का फर्स्ट टारगेट एंड 170 का सेकंड टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट पुट साइड ध्यान से देख लीजिएगा, पुट साइड 24,400 का पुट इसका जो एक मैं बेटर सपोर्ट देख पा रहा हूँ वो कहाँ देख पा रहा हूँ, तो इसका कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट एक लग रहा है जो 90। ठीक है सर क्या सपोर्ट लग रहा है मुझे 90। अगर ये 90 जोन को ब्रेक किया, ध्यान से सुन लीजिए, अगर 90 जोन को ब्रेक किया तो ये और ज़्यादा वीक हो जाएगा, इसका सपोर्ट 63 आ जाएगा और 63 जोन को अगर ब्रेक किया तो कोई ना कोई 35 एंड 40 के आसपास आ जाएगा। तो हमें क्या देखना है, अगर मैं 90 सपोर्ट बताया हूँ 63 सपोर्ट बताया हूँ तो 90 सपोर्ट में आके ये बाउंस बैक हो रहा है क्या। हमेशा अगर आप पहला दिन फर्स्ट डे हमारा वीडियो देख रहे हो तो मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ कभी भी इस तरीके से रेड कैंडल पे एंट्री मत लो, रेड कैंडल पे एंट्री मत लो, कम से कम रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल होगा उसके बाद एंट्री लेना है, उसके नीचे एसएल लगाना है। मेरा टेलीग्राम पे भी अगर ऐसे कोई ट्रेड जाता है कि मान लो अभी चल रहा है 70 और आपको बताया गया है कि ये जो ट्रेड है ये 60 के पास सपोर्ट है तो अपने सपोर्ट पे सडनली रेड कैंडल पे एंट्री नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। ओके अगर 60 के पास आया, सपोर्टिंग कैंडल बनाया, ये 60 लेवल है, आप इसके ऊपर बाइंग करोगे ठीक है और इसके नीचे आपको एसएल रहेगा। समझा पाया सर क्या इस तरीके से आपको हर वीडियोस में समझ में आता है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, और सरकार ट्रेडर्स आपको कुछ और सहारा देता है तो वेलकम अगेन टू यू सरकार ट्रेडर्स। ओके आज का वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ सारी चीज़ मैं सेगमेंट क्लियर कर पाया आपको, और आपको कैसे लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए, लाइक बटन दबा के प्लीज कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो आपका मर्जी है सब्सक्राइब करें या ना करें, अगर अच्छा लगा है तभी सब्सक्राइब कीजिए। बट आज इवनिंग में आज इवनिंग में धनतरास का एक लाइव सेशन हम अरेंज कर रहे हैं जहां पे एक्सपर्ट रहेंगे कम्युनिटी मार्केट का। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।